मुझे मालूम नहीं बाबा ने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना है, मगर उनका बड़ा आग्रह था कि यहां पर जो कर्मयोगी भाई बहन तपश्चर्या करते हैं इनके निवास के लिए एक व्यवस्था खड़ी की जा रही है, उसके शुभारंभ में मैं भी उपस्थित रहूं। खैर, उन्होंने तो जिस आशय से बुलाया होगा आशीर्वाद लेने के लिए ही बुलाया होगा, मगर मैं यहां आकर कहे बगैर नहीं रह सकता। मैंने बहुत सुना था, बहुत लोगों से सुना था, कई बार बाबा भी अब टीवी के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करते हैं तो टीवी पर भी देखा था, मगर मैं सात अर्थ में आश्चर्यचकित हूं कि एक सन्यासी इतनी बड़ा सेवा का कार्य खड़ा कर सकता है। ये अपने आप में पूरे विश्व में एक उदाहरण। ये तो हमने देखा था कि सन्यासी ज्ञान का संरक्षण कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, लोगों को शिक्षित कर सकता है। हमने ये तो देखा था कि सन्यासी आध्यात्म के माध्यम से जीव का शिव के साथ अनुसंधान कर सकता है। ये तो सबने देखा होगा कि सन्यासी सदाचार और सज्जीवन के मार्ग पर लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, मगर एक सन्यासी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक से आधुनिक व्यवस्था खड़ी कर सालों सालों तक, लाखों सालों से चली आई परंपरा को सालों तक नवपल्लवित करके आगे पहुंचाने का इतना बड़ा काम कर सकता है, इसको मैंने पहली बार देखा। मैं सात अर्थ में आश्चर्यचकित भी हूं, और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और लाखों भारतवासियों की ओर से बाबा आपको साधुवाद भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और आचार्य जी की समझाने की क्षमता भी बड़ी अद्भुत है, तो एक घंटे में काफी कुछ वो समझा देते हैं, मगर मैं बाद में कार्यक्रम के बाद में भी कुछ समय निकालकर पूरी संस्था का काम देखकर जाने वाला हूं। इस यज्ञ स्थान पर आते हैं तो निश्चित रूप से महर्षि पतंजलि, कणाद, नागार्जुन, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चार्वाक और वराहमिहिर की याद दिल में बिल्कुल आ जाती है, और एक आशा का संचार होता है कि एक नई परंपरा यहां से शुरू होने वाली है। हजारों बच्चों को इस ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए देखकर दिल में आनंद और संतोष दोनों की अनुभूति होती है। मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं, बाबा सत्ता परिवर्तन के बाद मैं पहली बार आया हूं यहां पर हरिद्वार में, और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस काम के लिए आपने पूरे भारत का भ्रमण किया था, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाली सदशक्तियों का आपने समर्थन किया था, और वो जो जन जागरण किया था उस आशय को पूर्ण करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का हरेक कार्यकर्ता और सरकार आपके साथ है, और हम लोग ये भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने का, नवपल्लवित करने का आपका जो अभियान है उसके साथ हृदय से आपके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा योग ऐसा माध्यम आज बन चुका है जिसने देश की सीमाओं को तोड़ा है, जिसने धर्म के बंधनों को तोड़ा है, जिसने परंपराओं को बंधनों को तोड़ा है, और पूरी दुनिया आज एक दिल में एक आशा रखकर योग की तरफ देख रही है कि योग क्या सारी समस्याओं का समाधान है क्या। और बाबा आपने आज तक जो काम कर एक क्यूरियोसिटी डेवलप की है, एक जिज्ञासा डेवलप की है, अब तक तो जिज्ञासा हुई है, ये जिज्ञासा कुछ ही समय में श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी, इसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। आयुर्वेद को भी नवपल्लवित करने का काम आचार्य बालकृष्ण की नेतृत्व में यहां पर हुआ है, काफी काम होना बाकी है, मगर अब तक जो हुआ है वो गत सदियों से
मतलब सैकड़ों सालों से नहीं हुआ है, इतना दशकों में करने का काम भारत स्वाभिमान संस्था ने किया है आयुर्वेद के लिए। और अगर हम आयुर्वेद को बचा सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, इसके अंदर वैज्ञानिक पुष्टि को ऐड कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि न केवल हिंदुस्तान, दुनिया भर के बड़ी सेवा का काम होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर दुनिया के कल्याण करने, दुनिया भर के रोगियों के कल्याण की व्यवस्था समाहित है। स्वामी रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने एक स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ दुनिया बनाने का एक अभियान छेड़ा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम दुनिया भर के रोगियों को मिलने वाले हैं। योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और गुरुकुल परंपरा को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही साथ देश भर में घूमकर उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी गौरव दिलाने का काम किया और भारतीय भाषाओं के लिए भारतवासियों के मन में गौरव पैदा करने का काम किया। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, कई भारतीय भाषा, एक नहीं अनेक भारतीय भाषा ऐसी है जो दुनिया की सभी भाषाओं से ज्यादा समृद्ध भाषाएं हैं, ऐसी भाषाएं हमारे पास हैं। बाबा, आपने जो भारतीय भाषाओं के लिए अभियान छेड़ा है, बाकी कोई करे न करे, आपके पास एक कार्यकर्ता निश्चित है, मैं भारतीय भाषाओं का बाबा आपके अभियान का बड़ा समर्थक हूं। और मैं मानता हूं कि भारतीय भाषाओं को जीवित रखना, उसको आगे बढ़ाना, साहित्य जो बना है अब तक उसको संजो कर रखना और नए साहित्य का निर्माण करना हर भारतीय का दायित्व है। यात्रा तो हम सभी करते हैं, मगर हम हमारी पक्ष के लिए, हमारे विचार के लिए करते हैं। आपने निस्वार्थ तरीके से देश के हित के लिए ये यात्राएं कर इस सब को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए बाबा आप अभिनंदन के अधिकारी। जिन शक्तियों के कारण देश में अव्यवस्था फैली थी, जिस शक्तियों के कारण देश का मूल सत्व क्षीण होने लगा था, जिन शक्तियों के कारण देश के मूलभूत लोकतांत्रिक ढांचे पर घात होता था, जिन शक्तियों के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जिन शक्तियों के कारण गांव, गरीब, किसान पिछड़ रहे थे, इनके खिलाफ बाबा ने जंग खेली, जंग शुरू की, तब उन पे पर भी आघात हुआ। मगर ये कोई नई बात नहीं है, रूसी परंपरा के सामने आघात होना बहुत पुरानी बात है। सहस्त्रार्जुन के समय में भी ये हुआ था, इसमें से एक परशुराम पैदा हुआ। राम के सब रावण ने शुरू किया तो राम पैदा हुए, कंस ने शुरू किया तो श्री कृष्ण पैदा हुए, और ये कांग्रेस ही शासन में हुआ तो बाबा रामदेव ने संघर्ष किया। और बाबा आपने जो संघर्ष किया है वो पूरे देश ने देखा है। इस संघर्ष को किसी सन्यासी के लिए झेल पाना कितना कठिन है मैं समझ रहा हूं। इतनी हरेक प्रकार की सीमाएं लांघकर आपको प्रताड़ित करने का काम किया, सैकड़ों मुकदमे डाल दिए बदनाम करने के लिए भी, अलग अलग प्रकार के नए शब्दकोश की रचना की गई। मगर जब एक सन्यासी संकल्प लेता है तो वो सन्यासी अपने संकल्प के सहारे सारी बाधाओं को पार कर सत्य को दैदीप्यमान करता है। वो हमेशा से हुआ है और आज एक बार फिर से हुआ है। और ये जो एकात्मता हुई है भारतीय जनता के साथ, भारत की जनता के साथ, भारत के प्रधानमंत्री की, उसी में से आने वाले दिनों में देश में परिवर्तन होने वाला है। बाबा, इस 100 दिन की सरकार में मैं आप सभी को दिखाना बताना चाहता हूं कि 100 दिन की सरकार में काफी कुछ हुआ है, मगर जब मैं यहां पतंजलि योगपीठ पे से बोल रहा हूं, उसके मंच से बोल रहा हूं, तब मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा काम इस 100 दिन की सरकार में अगर कोई हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो गंगा अभियान का, गंगा शुद्धिकरण का संकल्प करने का काम हुआ है। ये सरकार ने तय किया है
कि गंगा को अविरल बनाएंगे, गंगा को निर्मल बनाएंगे। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक फैला हुआ मां गंगा का तट देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहीं पर हमारी संस्कृति पली है, बड़ी है, जन्मी है। यहां पर हमारा ज्ञान विकसित हुआ है। यहीं पर वेद, उपनिषद, न्याय, मीमांसा, योग और न्याय और व्याकरण के सभी पाठ यहीं पर लिखे गए। और इस गंगा को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। मोदी जी गंगा अभियान को संतों का अभियान बनाना चाहते हैं, लोगों का अभियान बनाना चाहते हैं, जनता का अभियान बनाना चाहते हैं। जब संत आशीर्वाद देते हैं और जनता किसी अभियान के साथ जुड़ती है तो ईश्वर का आशीर्वाद निश्चित मिलता है और इस कार्य को तो मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले दिनों में इसी बजट के अंदर करीब करीब 2500 करोड़ रुपए का टोकन प्रोविजन सरकार ने गंगा अभियान के लिए किया है और आने वाले दिनों में जितना भी खर्च होगा वो कर गंगा को शुद्ध करने के लिए ये सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और परिणाम लाने के लिए दृढ़ संकल्प कर बैठी है। और मैं आज इस मंच से भारत स्वाभिमान संस्था के सभी लोग और हरिद्वार के उपस्थित नागरिकों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी त्रासदी झेली है। कुदरती आपदा के समय में कश्मीर के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा रहे वो बहुत जरूरी है। नरेंद्र भाई की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरे ही दिन से एक बड़ा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ में लिया था और आज सुबह तक लगभग 1,20,000 लोगों को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का एक भगीरथ कार्य संपन्न किया। मगर हम जहां कहीं भी है उसको, उस अभियान को बल मिले इसके लिए अपने मन और आत्मा से ईश्वर के साथ प्रार्थना भी करें और सहयोग भी करें। मैं ये अपील करना चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाबा आपने बड़े कष्ट झेलकर परिवर्तन का सहयोग किया है। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आपने परिवर्तन करते वक्त नई सरकार से जो अपेक्षाएं रखी हैं वो अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिश्रम की पराकाष्ठा करेगी और आपके अभियान को हम सब बल देने के लिए सदैव आपके सहयोगी के नाते आपके साथ खड़े हैं। आपकी तरह ही भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नाते मनोयोग से देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि परिवर्तन का काम अभी समाप्त नहीं हुआ। कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो बाबा ने की थी और चुनाव में विजय भी हुआ है, मगर अभी कई जगह पर सुशासन स्थापित करना बाकी है और इस अभियान को मोदी जी के सरकार जो परिवर्तन का काम करनी चाहती है वो कार्य को, वो अभियान को सब लोगों का, पूरी भारत की जनता का मन से आशीर्वाद प्राप्त हो इसके लिए आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की जनता को मैं करबद्ध निवेदन कर मेरी बात समाप्त करता हूं और मैं ईश्वर को अंतकरण से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके सभी प्रयासों को बल दे, सफलता दे और आने वाले लंबे समय तक बाबा आप देश की सेवा करते रहें, भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा की सेवा करते रहे। यही अभ्यर्थना। भारत माता की जय। किसी भी देश से, उस समाज से अब तक कोई शिकायत नहीं आई है कि हिंदुस्तानियों ने आकर के हमारा ऐसा कर दिया, हमारा